नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले पीएम मोदी ने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण सिर्फ अपनी तारीफ में था, उन्होंने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बेरोजगारी, महंगाई, अडानी मुद्दा और निजीकरण पर उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक इंसान देश को बचा है, वे सब पर भारी पड़ रहे हैं, उन्होंने अहंकार की बात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपने भाषण में अपनी तारीफ की है, उन्होंने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर, संसद में छिड़ा महासंग्राम, गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों ने दिया धरना। ये आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही के दौरान वामपंथी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। सांसदों की मांग है कि पीएफ पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। आपको बता दें कि इन दिनों संसद में महासंग्राम छिड़ा है। वामपंथी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा के लिए भाजपा ने जारी कर दिया घोषणा पत्र, गरीबों को 5 रुपए में भोजन और लड़कियों के लिए फ्री स्कूटी देने का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। भाजपा ने बृहस्पतिवार को वादा किया है कि त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने पर वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्ता, किसानों की आर्थिक सहायता और रबर आधारित उद्योग के विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें महिला और छात्राओं के लिए भी लोक लुभावने वादे किए हैं। राज्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि धार्मिक गुरु अनुकूल चंद के नाम पर सभी के लिए 5 रुपए की भोजन योजना शुरू करने के साथ ही अगरतला में एक क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। TOI की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक बालिका को 50,000 रुपए का बालिका समृद्धि बांट दिया जाएगा और मेधावी कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी भी देने का वादा किया है। जेपी नड्डा पारंपरिक प्रेस वार्ता के बजाय अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक विशाल सभागार में घोषणा पत्र जारी किया। आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हम रबर और बांस पर आधारित उद्योग विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करेंगे, 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा 2,000 रुपए और प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा ने त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 2,000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है और गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन और लड़कियों के लिए फ्री स्कूटी देने का भी वादा किया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अडानी को मिला करोड़ों का लोन और किसान के यदि 31 पैसे बकाया तो उन्हें नहीं मिली NOC। ये आपको बता दें कि संसद में चल रहे बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच कारोबारी गौतम अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के किसान का किस्सा सुनाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में बोलते हुए कहा कि देश के कारोबारी को लाखों करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन एक किसान को 31 पैसे के बकाए की NOC लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से बड़े किसान आंदोलन की तैयारी, 20 मार्च को संसद के बाहर होगी किसान महापंचायत। ये आपको बता दें कि किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी बैठक की, इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए 20 मार्च को संसद के बाहर किसान महापंचायत करेगा। कई किसान संगठनों ने युद्धवीर सिंह, राजा राम सिंह और डॉक्टर सुनील के नेतृत्व में एक बैठक में शामिल होकर इस मुद्दे पर चर्चा की। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग लगातार करता आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक में आम बजट की आलोचना करते हुए इसे किसान विरोधी करा दिया। उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सिंह ने बताया कि किसानों की लंबित मांगों को लेकर वो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। इसी कड़ी में देश भर के किसान 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पूर्व में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जो भी आश्वासन दिए थे वो अब तक पूरे हुए हैं। सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। ऐसे में पहले 20 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे, उसके बाद बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। वहीं किसान नेता डॉक्टर सुनील ने कहा कि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा का एक संविधान बनेगा, इस संविधान के आधार पर आगामी फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा 31 सदस्यीय एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से कई मांगे कर रहा है, इसी वजह से फिर से आंदोलन की तैयारी हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, कर्ज माफी,
लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने, किसान आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए वादे पूरे करने समेत एमएसपी को लागू करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए 20 मार्च को संसद के बाहर किसान महापंचायत करेगा। अगली बड़ी खबर, तारीख पर तारीख चौथी बार दिल्ली मेयर चुनाव का प्रस्ताव, एलजी के फैसले पर टिकी नजरें। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव की सुगबुगाहट चौथी बार तेज हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार में अगली बैठक को लेकर सहमति बन गई है। एमसीडी ने अगली बैठक गुरुवार 16 फरवरी को बुलाने का प्रस्ताव रखा है। केजरीवाल सरकार ने 16 फरवरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार ने पहले 13 से 14 फरवरी को एमसीडी की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 13 फरवरी को इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसको देखकर दिल्ली सरकार और एमसीडी 16 फरवरी को चौथी बार मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराने पर सहमत हुए हैं। अभी इस प्रस्ताव पर एलजी विनय सक्सेना की मोहर लगना बाकी है। आप सभी की नजरें दिल्ली के एलजी पर टिकी हैं कि वे कब की तारीख फाइनल करते हैं। अगली बड़ी खबर, 3 बार टला मेयर का चुनाव, बीजेपी का बड़ा ऐलान, कहा हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो फैसला। ये आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के 2 महीने बाद भी मेयर नहीं मिल पाया। 1 महीने में 3 बार सदन की बैठक बुलाई गई, लेकिन हर बार मेयर, उपमेयर और स्थायी समिति की गठन की कोशिश विफल रही। इसे लेकर कांग्रेस ने जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है, तो वहीं बीजेपी लगातार इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ती आ रही है। इसी कड़ी में 7 फरवरी को दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव किया। गुरुवार को भी बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और आईटीओ पर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने कहा कि पूरी दिल्ली जानती है कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्षदों के टिकट को 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए में बेचे हैं। आपको बता दें कि खेमचंद शर्मा ने कहा कि खरीद कर पार्षद बने आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि उनके पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, इसका उन्हें भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया को लटका कर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, उसको लेकर भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने कहा कि कोर्ट में इस मामले को ले जाकर आम आदमी पार्टी की मंशा मेयर चुनाव को और लंबा खींचने की है, इसीलिए आम आदमी पार्टी कोर्ट पहुंची है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है, वहीं बीजेपी इसका स्वागत करती है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव कराया जाए। अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखा पत्र, राहुल गांधी की स्पीच का हिस्सा हटाने पर जताई नाराजगी। ये आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एक खास मांग की है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में राहुल गांधी के भाषण को राष्ट्र के व्यापक हित में समग्र रूप से प्रकाशित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में गौतम अडानी के साथ नरेंद्र मोदी के संबंधों और उसके फायदों पर बहुत कुछ कहा। उन्होंने अडानी के साथ नरेंद्र मोदी की कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाई। इस भाषण में उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और भी कई टिप्पणियां की थी, इनमें से कुछ को काट दिया गया। उनके इसी भाषण को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में राहुल गांधी के भाषण को राष्ट्र के व्यापक हित में समग्र रूप से प्रकाशित करने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा का बड़ा ऐलान, कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने किया देश को प्रेरित, विपक्ष के हर हमले का दिया मुंह तोड़ जवाब। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे विफल कर दिया और अपने भाषण से देश को प्रेरित किया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बुधवार को लोकसभा में दिए गए संबोधन के बाद विपक्ष की नकारात्मक और राष्ट्र विरोधी राजनीति को नष्ट कर दिया गया है। इससे हताश और निराश सदस्यों ने राज्यसभा में उनके भाषण को बाधित कर दिया। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य बलूनी ने कहा कि हालांकि पीएम मोदी के संबोधन ने भारत के 140 करोड़ नागरिकों के दिलों को छू लिया और सभी को इस अमृत काल में उनके नेतृत्व में देश की विकास यात्रा पर गर्व है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका संबोधन भारत के अनवरत विकास यात्रा की कहानी है।
और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मेघालय को 5-स्टार स्टेट बनाने का कर दिया बड़ा वादा। ये आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने मेघालय को 5-स्टार स्टेट बनाने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वो इसे देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर महिलाओं और युवाओं को रखा है, साथ ही मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए भी प्लान तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के राज्य में बीपीएल श्रेणी के सिंगल मदर्स को 3,000-3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पाला ने कहा कि अपने बच्चों को अकेले पालने वाली एकल बीपीएल माताओं को प्रतिमाह 3,000-3,000 रुपए दिए जाएंगे। ये हमारे वादों में सबसे ऊपर है, क्योंकि इससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी और उन्हें अपने घर को बेहतर ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि विंसेंट पाला ने मैनिफेस्टो का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में हर घर को एक नौकरी दी जाएगी और ये हमारा वादा है। उन्होंने कहा कि यहां से युवा अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे दूर दराज के राज्यों में जाते हैं, उनके पलायन को रोकना जरूरी है। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मेघालय को 5-स्टार स्टेट बनाने का वादा किया है। और ये बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले पीएम मोदी, सिर्फ 5 सालों में बदल दी यूपी की पहचान। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इसके लिए उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 की शुरुआत की। इस दौरान वहां पर आए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी देश में अपनी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस समिट में सभी का स्वागत है, मैं जिम्मेदारी को निभाने के लिए इस समिट का हिस्सा बना हूं। यूपी की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए जानी जाती है, इसीलिए यूपी के प्रति मेरा विशेष स्नेह है। आज यूपी एक आशा और उम्मीद बन चुका है। एक समय पर यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन बीते 5 से 6 वर्षों में यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित कर ली है। अब यूपी अपने गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है। और ये बड़ी खबर, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब मात्र 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ऐलान किया है कि राजस्थान के 76 लाख परिवारों को मात्र 500 रुपए में LPG रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा EWS परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। सबसे मुख्य वादा यह है कि 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में की गई बड़ी मांग, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जाए भारत रत्न। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुमान सिंह डामोर ने लोकसभा में कहा कि गरीबों के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। डामोर ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये मांग की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आदिवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का करते हुए कहा कि देश के गांव-गांव में लोग प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।